नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुरहानपुर में कोरोना काल के चलते सार्वजनिक पंडालों में गणेश स्थापना की मनाही है। वहीं पीओपी की मूर्तियां बनाना पूर्व से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रतिबंधित करने के आदेश के बाद भी मूर्तिकार बदस्तूर मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। मूर्तिकारों की दलील है कि उन्हें कोई मौखिक और लिखित आदेश नहीं मिला है। मूर्तियों का 90% काम पूरा हो चुका है। मामले को मीडिया द्वारा संज्ञान में लाए जाने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी एसडीएम और पुलिस अफसरों को निर्देश करने की बात कही है कि मूर्तिकारों को पीओपी की मूर्ति नहीं बनाने और कोरोना काल के चलते सार्वजनिक गणेश उत्सव नहीं मनाए जाने का हवाला देते हुए समझाइश दे। समझाइश नहीं मानने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने का आदेश दिया है। बुरहानपुर से मौसम तड़पी की रिपोर्ट। ये जो महामारी अभी आई है कोविड-19, इसमें हमारे पास जो पहले से कार्य चालू होता था, ये नवंबर 2019 से हम चालू कर देते हैं। हमको इसके अलावा दूसरा कोई काम आता नहीं है। तो हमारे पास जैसे बिजनेस होता ना, हम अगले बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं। 12 महीने हमारा काम चलता है। कुछ लोग हमारे पास काम करते हैं वो भी, और हम भी पूरे परिवार के साथ ये व्यवसाय करते हैं। तो हमारे पास कैसा, पहले से ये पहले पिछले नवंबर से मार्च तक पूरा प्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद रॉ मटेरियल बचता है। तो फिर उसको रख के क्या मतलब, उसको जॉइंट तो करना ही पड़ेगा। और बीच में भी एक आदेश आया था, या फिर एक हमारे केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर जी ने बोला था कि इस बार जो मूर्तियाँ बन चुकी है उसको आप कंप्लीट करके सेल कर सकते हो, क्योंकि वो क्या उसमें लागत तो लगी गई है। नहीं, गृह मंत्री का आदेश आया है कि किसी प्रकार अभी तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं आया है, पावती लिखित में। जैसे इसके पहले आता था कि आप आओ मीटिंग करना है, ये करना है, तो कुछ ही नहीं आया अभी तक। जिला प्रशासन से कोई आदेश नहीं मिला? कोई आदेश नहीं मिला है अभी तक। अपने फेसबुक पे, अपने न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है, उससे बहुत अवेयरनेस आई है। और हालांकि आम व्यक्ति की गणपति सार्वजनिक होने के कारण अभी डर रहा है कि बिठाए नहीं बिठाए, इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मगर हमारा तो काम ये है कि हम मूर्ति अब आगे तो बनाई चुके हैं, रॉ मटेरियल है, उसको कम्प्लीट करके रखेंगे। मालूम पड़ चुका है कि अब जो है, देखिए पीओपी की मूर्तियों के बारे में पहले से भी एनजीटी के निर्देश है कि पीओपी की जो मूर्तियां हैं वो इको फ्रेंडली नहीं है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है। तो ऐसी मूर्तियों के बारे में शासन प्रशासन के निर्देश पहले से सख्त और क्लियर है कि किसी भी स्थिति में ऐसी मूर्तियों का निर्माण नहीं किया जाएगा। मैं आज ही हमारी शांति समिति की बैठक भी है और सभी एसडीएम को भी हमने बुलाया है, तो उस बैठक के बाद से ही हम सभी एसडीएम को निर्देश दे देंगे कि सभी एसडीएम, थाना प्रभारी, तहसीलदार, आरआई और मजिस्ट्रेट अपने अपने एरिया की मॉनिटरिंग करें। जो जो मूर्तिकार इस तरह की पीओपी की मूर्तियाँ बनाने में संलग्न है उनको आज समझाइश दे दें, और उसके उपरांत भी यदि वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते और पीओपी की मूर्तियाँ बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जो है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।